आज हम कंटिन्यू करेंगे प्लस टू की फिजिक्स, जिसमें आज हम फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स या टॉर्क वर्क करता है। सबसे पहले इसको स्टडी करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में टू चार्जेस होते हैं जनरली, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है, लेकिन उनका नेचर है जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। साथ ही इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम माना जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है हमारी, जिसको हम लिखते हैं F इज इक्वल टू क्यू ई। इसको लिखते हैं हम, ये जो ये लिखा हुआ है F इज इक्वल टू क्यू ई एफ वन, इसको नेमिंग दी हुई है, एफ टू इसको नेमिंग दी है। ये हमको हमेशा याद रखना है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव होती है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और पॉजिटिव चार्ज में हमेशा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये आज का जो आर्टिकल है हमारा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से ही स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जनरली फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारी। तो आइए अब हम इस ग्राम से देखते हैं, हम इसमें ट्रायंगल नोट करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी से हम साइन थीटा निकालेंगे। साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा बी सी, परपेंडिकुलर हमारा है बी सी अपॉन ए बी, ये हमारा आ जाएगा साइन थीटा, ये हमारा साइन थीटा आ जाएगा। अब हम ए बी को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पे ये डिवाइड में है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा ए बी साइन थीटा। और इस डायग्राम से अब हम ए बी की अगर वैल्यू पुट कर लें 2a, तो देखते हैं यहां से बी सी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमारी क्या है 2a साइन थीटा, ये पुट कर ली हमने। तो ये जब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो प्लेस किया होता है हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, देन फोर्स है जो हमारी एफ वन एंड एफ टू फोर्सेज हमारी एक्ट करेंगी डाइपोल के ऑपोजिट डायरेक्शन में, देन द एक्सपीरियंस है जो हमारा वो एक्सपीरियंस है वो हमारा टॉर्क कहलाता है। अब टॉर्क का मेन फॉर्मूला क्या होता है, ये टॉर्क इसको डिनोट करते हैं टॉ से, इसको बोलते हैं टॉ, ये टी जैसा ही होता है, जे बन गया लेकिन ये टी जैसा ही होता है टॉ। मेन होता क्या है फॉर्मूला, मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ कपल, जो फोर्स के कपल्स हैं उनकी मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ कपल, जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यह ऐसे कुछ होता है। और अब हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये टॉ है हमारा, आइदर फोर्स हमारी क्या लगती है हमें ऊपर भी लिखा था क्यू ई, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस डायग्राम में ये बी सी है, और बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है टू ए साइन थीटा, ये हम पुट करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा बी सी, और यहाँ पे अगर हम बी सी की वैल्यू पुट करें इससे तो ये आ जाएगी इंटू टू ए साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। और ये क्यू हमारा है, ये टू ए है, तो अगर इसको हम कंबाइन करके लिखते हैं
इंटू टू ए इंटू ये ई को साइड में निकाल लिया साइन थीटा, तो ये हमारा बन गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी कि पी। क्यू इंटू टू ए की वैल्यू हमने पी पुट कर दी, पी इंटू पी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बची थी और साथ में हमारे पास बचा था साइन थीटा। अगर हमारे पास थीटा है जो वो 90 डिग्री का हो तो वो जनरली टॉ इज इक्वल टू हमारे पास पी इंटू ई बच जाता है। पी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और ई हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके दो स्पेशल केस बनते हैं, एक तो ये है स्पेशल केस और सेकेंड है हमारे पास अगर थीटा हमारा 0 डिग्री हो, तो थीटा हमारा 0 डिग्री हो, साइन 0 हमारा 0 होता है, तो यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, पी हमारा जो साइन 0 डिग्री होता है वो 0 होता है, तो ये जनरली टॉ हमारा 0 ही आ जाएगा। ये टू केस बनते हैं इसमें, तो ये हमारा टॉर्क है जो वो सॉल्व हो गया।